टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। प्लास्टिक बैग में बहू को ससुर ने किया कैद और उसके बाद फिर नाले में फेंका। पिछले हफ्ते 24 दिसंबर को मुंबई के अक्सा बीच में एक बोरी में लाश मिली थी। खबर मिलते ही मालवानी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। महिला की शिनाख्त में पुलिस को पता चला कि मृतिका कांदीवली की रहने वाली है। महिला की हत्या की आरोपी कोई और नहीं, उसका ससुर निकला। मृतिका की 3 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। आरोपी ससुर कमल राय को शुरू से ही उससे परेशानी थी, उसके चरित्र पर शक करता था। उसने जब उसका लड़का गांव की तरफ गया तो उसके बाद में उसने उसको उसके जो दो साथीदार है उस दो साथीदार के साथ में मिलके उस मैद को इन्हें मार दिया। मारने के बाद में उसे एक बोरी में भर के एक नाले में फेंक दिया। हमें एक महिला की डिकम्पोज हालत में हमें लाश मिली थी। उसके ऊपर कुछ भी उसको आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है ऐसे कुछ भी नहीं हमें मिला नहीं था। लेकिन सभी इसलिए हमने आप अलग अलग टीम्स फॉर्म की। उसमें हमें पता चला कि समतानगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दाखिल है। तो फिर हमने वो जो मिसिंग के जो कंप्लेनेंट थे जो उसके पिता थे तो उसको हमने वो बॉडी दिखाने के बाद में उन्होंने उसकी पहचान की। 9 दिसंबर को नंदिनी के पति यूपी में गांव गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में ही वो अपने गांव गया हुआ था। आरोपी ससुर ने अपने 2 दोस्तों के साथ घर में ही तकिए से गला दबाकर नंदिनी की हत्या कर दी। लाश को चादर में लपेटकर ऑटो रिक्शा में ले जाकर उसको नाले में फेंक दिया था। समता नगर पुलिस ने नंदिनी के हत्या के मामले में कमल राय जो ससुर के साथ देने वाले 2 और आरोपी हैं प्रदीप गुप्ता कृष्णा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आखिर जिसकी कोई सुराग नहीं उसे पुलिस ने ढूंढ निकाली। आरोपी ससुर और उसके 2 दोस्त हुए बेनकाब। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम।